हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि टैली ईआरपी 9 की सीरीज चल रही है और डेली ही वीडियोस अपलोड हो रही हैं। लाइव भी आज मैं आया था 9 बजे से सुबह, आज मैं लाइव था और आपके सवालों का जवाब भी मैंने दिया। तो अभी ये वीडियो टैली ईआरपी 9 को लेकर के है और टैली ईआरपी 9 में डिफरेंट पैट लगाना है। एक क्वेश्चन मेरे पास पूछा गया है, एक क्वेश्चन हमारे व्यूअर ने पूछा है और इन्होंने क्या पूछा है, इनका नाम क्या है, मैं इनका नाम बता देता हूँ। ये है डिंपल कश्यप और ये कह रही है कि सर पर आइटम पर अलग अलग वैट कैसे लगाते हैं। तो चलिए ये बात करते हैं हर आइटम पर वैट लगाने की। ईआरपी 9 यूज करिए, टैली प्राइम यूज कीजिए, आपकी जो मर्जी है वो यूज कर सकते हैं, डोंट वरी। दोनों ही में काम करने का तरीका सेम है, ठीक है। थोड़ा सा आपको आसानी हो जाती है जबकि आप यूज करते हैं टैली प्राइम। तो ईआरपी 9 आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके हिसाब से मैं काम करूंगा, ईआरपी 9 ओपन कर लेता हूं। अब इसमें मैंने जीएसटी एक्टिवेट कर रखा है, समस्या ये है। तो क्यों ना हम एक नई कंपनी बना लें। नई कंपनी बनाने के लिए आपको करना क्या है, नई कंपनी बनाने के लिए आपको सिंपल ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करना है। जैसे प्रेस करते हैं तो ये कंपनी इन्फो की विंडो हो जाती है ओपन हो गई ना। आपको सिंपल आना है नेविगेशन की प्रेस करते हुए यहाँ पर क्या हाईलाइट है, सी हाईलाइट है, तो बस सी प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से और यहाँ पर कंपनी क्रिएशन वाला फॉर्म ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर हमें एक कंपनी बनानी है, कंपनी किस नाम से बनेगी वो देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं माई शॉप के नाम से कंपनी बना लेता हूँ, माई शॉप, ठीक है। ये लिख दिया मैंने माई शॉप, आपका जो भी नाम देना है दे सकते हैं। यहाँ पे मेरे नेम सेम रहेगा, यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं अपना एड्रेस, आप अपना एड्रेस डालिएगा। न्यू कॉलोनी देवरिया कर देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट देवरिया के मिलते हैं ऑनलाइन भी, वो सोचते हैं कि ये आखिरकार इंस्टीट्यूट है कहाँ। तो अच्छा लगता है ये देख करके कि कम से कम देवरिया के लोग भी देखते हैं वीडियोस को और सोचते हैं कि देवरिया में भी कम से कम एक ऐसा ट्यूटर है जो हमें सिखाता है और इतनी ज्यादा वायरल है वीडियो। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की बात आती है तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में चेंज कर देता हूँ। तो 1/4/2021 एक अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और अगर काम आपका 1 मई से स्टार्ट हो रहा हो तो यहाँ पर आपको देना है 1/5/2021। ध्यान दीजिएगा ये टैली का एजुकेशनल मोड है, ठीक है। एंटर करता हूँ यहाँ पर वांट पासवर्ड वगैरह नहीं लगाएंगे, एंटर करते हैं एक्सेप्ट कराते हैं। ये हो गया काम, यहाँ पर माई शॉप नाम से कंपनी बन गई। लेकिन अभी रुकिए, अभी हमको पुरानी कंपनी बंद करनी है। हाउ कैन वी क्लोज द ओल्ड कंपनी, दैट इज द मैटर। तो ओल्ड कंपनी को बंद करने के लिए फिर F3 प्रेस कीजिए। किया, सेलेक्ट कंपनी दिया हुआ है, कनेक्ट कंपनी दिया हुआ है और नीचे दिया गया शट कंपनी। चलिए शट कंपनी पर आते हैं नेविगेशन की मदद से। क्या हाईलाइट है, एच हाईलाइट है, केवल एच प्रेस कीजिए। कौन सी कंपनी को बंद करना है, नीचे वाली दूरस्थी वाली जो कंपनी है ना उसको बंद कर देना है। बंद हो गई कंपनी, साइड में देखिए कंपनी आपको नहीं दिख रही है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब सिंपल वे में यहाँ पर स्केप बटन प्रेस करना है और वाउचर में चलना है। वाउचर में अगर आप कैश रिसीव नहीं कराएंगे तो आपको आएगा नेगेटिव कैश का मैसेज, ठीक है। इसीलिए F6 प्रेस करके हमें चलना होगा जैसे वाउचर में। यहाँ पर आपको पट्टी सी जो दिख रही है हरे रंग की, यहाँ पर अलग अलग वाउचर्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए ये कटरा वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, रिसिप्ट वाउचर है, जनरल वाउचर है, सेल्स वाउचर है, क्रेडिट नोट है, परचेज है, डेबिट नोट है, यहाँ पर रिवर्सिंग जनरल है, मेमोज है, इस तरह के बहुत सारे वाउचर्स आपको दिख रहे हैं और भी ऑप्शन दिख रहे हैं। तो फिलहाल हमें जाना है रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या दी गई है, F6। तो हमें सिंपली F6 फंक्शन की प्रेस करनी है, आ गए हम रिसिप्ट वाउचर में। कभी कभी आपके साथ ये दिक्कत हो सकती है कि यहाँ पर क्रेडिट लिखा हुआ मेरा आ रहा है, आपका ना आ रहा हो, तो कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस कीजिएगा, ठीक है। मैं इसको पहले गायब कर देता हूँ, जो ये क्रेडिट आ रहा है उसको पहले हटा देता हूँ। कैसे हटाएंगे, ये सिंगल एंट्री मोड कर देंगे, सिंगल एंट्री मोड को यस कर दीजिए और डेबिट क्रेडिट को ऑफ कर दीजिए, यानी डेबिट क्रेडिट को नो करके कंट्रोल ए कर दीजिए। देखिए सिनेरियो कुछ इस तरीके का हो जाता है। तो अगर आप डेबिट क्रेडिट में आना चाहते हैं तो यहाँ से F12 प्रेस कीजिए वापस से। ये जो सिंगल एंट्री मोड है इसको चेंज कर दीजिए, क्रेडिट ऑप्शन आने लगा। अब क्रेडिट किसको करेंगे, मैं लगभग हर वीडियो में ये बात आपको बताता हूँ कि कैपिटल अकाउंट एक ऐसा लेजर है जिसे हम क्रेडिट करेंगे तब जबकि हम फंड रिसीव करा रहे हो अपनी कंपनी में। फंड या कैश जो भी आप रिसीव कराते हैं कंपनी में उसे हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करना है क्योंकि हम लेजर बनाना चाहते हैं और ये टैली प्राइम तो है नहीं। टैली प्राइम में क्रिएट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्रिएट का ऑप्शन नहीं मिलेगा साइड में, ठीक है। टैली प्राइम में राइट साइड में आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखता है लेकिन यहाँ पे नहीं दिखेगा।
तो यहां पर लिखना है कैपिटल, आपको कैश नहीं लिखना, कैश का लेजर पहले से बना होता है, ठीक है, आपको कैपिटल लिखना है। कंपनी में रिसीव कराया जाने वाला फंड जो होता है उसे हम, ठीक है, तो यहां पर कैपिटल अकाउंट कर दिया हमने। अब इसका ग्रुप क्या होगा, यहां पर बहुत सारे ग्रुप मिल जाते हैं, तो आपको सीधा कैपिटल अकाउंट रखना, कैपिटल अकाउंट का ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही होता है, ठीक है। एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, हो गया एक्सेप्ट। कितना फंड रिसीव कराना है, तो जो भी रिसीव करा रहे हैं वो यहाँ पर डाल दिया हमने, एंटर किया। यहाँ पर कैश का लेजर हमने यहाँ बना होता है पहले से, मैंने पहले बताया कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट करा लिया, हो गया खत्म कहानी, ये एंट्री पास हो गई। यहाँ पर गेट आप पहले पर आ गए, दो बार डिप्रेस कीजिए, यहाँ पर आपको वो एंट्री दिख जाएगी, प्रिंट निकालना चाहते हो करके प्रिंट देख सकते हैं। ये देखिए प्रिंट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये प्रिंट कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं, हमारी पहली एंट्री पास हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है हमें, हमें यहाँ पर पहली एंट्री हमने पास कर ली है, कंपनी हमने बना ली है, पहला काम ये करना है कि वैट को एक्टिवेट करना है। देखिए हमारे इंडिया में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैट लगा करके वाउचर जनरेट करते हैं, भाई जरूरत पड़ती है वैसे तो करते हैं, शराब है या टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उन पर वैट भी लगाया जाता है जीएसटी। अभी हमें F11 की प्रेस करनी है, जैसे ही F11 प्रेस करते हैं तो यहाँ कंपनी फीचर्स की विंडो ओपन हो जाती है, पर यहाँ स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जाकर के हमें वैट को एक्टिवेट करना है, जीएसटी को तो लो रखना है। तो ये वैट एक्टिवेशन कर लेते हैं हम, यहाँ से यस कर लेते हैं, जैसे यस करेंगे तो आपके स्टेट का नाम आएगा, भैया हमारा उत्तर प्रदेश है, हम उत्तर प्रदेश रखने वाले हैं, और यहाँ पर टिन नंबर की बात आएगी, तो यहाँ पर टिन नंबर डाल देते हैं, तो ये टिन नंबर हम डाल दे रहे हैं, ठीक है, तो ये टिन नंबर हो गया हमारा, एंटर करेंगे। यहाँ पर एंटर करते हुए आ जाते हैं, बाकी की डिटेल आप फिल कर सकते हैं, मैंने फिलहाल छोड़ रखा है। यहाँ पर पब्लिक अल्टर टैक्स रेट डिटेल्स को यस कर दीजिएगा, यहाँ पर टैक्स टाइप आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर टैक्स टाइप आ रहा है, टैक्स रेट आ रहा है, वैट का रेट क्या डालेंगे, तो मान लीजिए 5% का वैट लग रहा है और एडिशनल टैक्स 2% का लग रहा है, तो कुल मिला के 7% हो गया, ठीक है। यहाँ पर चाहे तो इसको भी यस कर सकते हैं और एंटर करेंगे और कंट्रोल ए कर लेंगे, और जैसे ही कंट्रोल ए करते हैं तो आप देखेंगे कि वैट हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, सब कुछ सेम हो चुका है। अब एंट्री पास करने की जरूरत है परचेज में, चला जाए परचेज वाउचर में, जो प्रोडक्ट हम अपनी दुकान पर होलसेलर पार्टी से खरीद के लाएंगे उसकी फिटिंग हमें करनी है, तो परचेज वाउचर में जाना होगा, F9 प्रेस करके यहाँ पर आना है हमें, सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालना है, एंटर करना है। 1 मई में हो रही है परचेजिंग, तो 1 मई की डेट रख सकते हैं, नहीं तो F2 प्रेस करके डेट चेंज भी किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए 31 मई कर देते हैं, तो 31/5/2021, ठीक है, एंटर किया, यहाँ पर डेट चेंज हो गया है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, देखिए वहां पर साइड में यहाँ पर डेट चेंज हुआ है लेकिन यहाँ पर नहीं चेंज हुआ है, तो यहाँ पे 31/5/2021 कर देते हैं, ये कर दिया हमने, एंटर किया। यहाँ पर कोई पार्टी का लेजर हमने नहीं बनाया, तो यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, जब भी उधारी की बात आएगी तो आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पवन सी लिख देता हूँ, चीज से पता चलता रहेगा कि ये क्रेडिटर पार्टी है, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने, एंटर किया। ये जाएगा सर्टिक क्रेडिटर के ग्रुप में, तो ये सर्टिक क्रेडिटर कर दीजिए, मेंटेन बैलेंस बिल बाय डेट, इसको यस रखिएगा, एंटर करते हुए करवा लीजिए इसको एक्सेप्ट, ठीक है, ये हो गया एक्सेप्ट, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, और एंटर करिए, और एंटर करिए, एंटर करिए। यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर, देखिए भैया यहाँ लिखा हुआ है परचेज लेजर, तो हट सी करके परचेज अकाउंट का लेजर बनाइए, ये लिखिए परचेज, और फिर यहाँ पर ये ऑब्लिक करके अकाउंट लिख दीजिए, एंटर करिए, एंटर करिए, यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाता है, आप देख सकते हैं ये परचेज अकाउंट साइड में दिया हुआ है, एंटर करिए, एंटर करिए, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ये हो गया एक्सेप्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर आ गया है। अब हमें स्टॉक आइटम बनाना है, स्टॉक आइटम वाली जो विंडो होगी ना वो थोड़ी छोटी होगी, चलिए हट सी करके स्टॉक आइटम बनाते हैं, ठीक है। हर स्टॉक आइटम पर अलग वैट लगाएंगे, बाय डिफॉल्ट हमने कितना वैट लगाया, 5% वैट लगाया, 2% एडिशनल टैक्स लगाया था, बाय डिफॉल्ट लगाया था, ठीक है। अभी वो भी मैं प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, लेकिन पहले हम बात करेंगे डिफरेंट टैक्स की। तो 5-7% का कुल मिला करके हमने बाय डिफॉल्ट लगा दिया, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगाते हैं, मतलब अगर हम अलग से किसी प्रोडक्ट पर टैक्स नहीं देते हैं तो ऐसे कंडीशन में 7% टैक्स अलाउ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलग से टैक्स लगाएंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक लैपटॉप, लैपटॉप लिखा हमने, और लैपटॉप पर जो टैक्स लगाएंगे हम वो अलग से लगाएंगे, तो लैपटॉप की यूनिट बना लेते हैं, बिना यूनिट बनाए तो होगा नहीं, तो यहाँ पे कर देते हैं NOS, NOS यानी नंबर्स, एंटर करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे पूरा नाम, नंबर्स लिख दिया हमने, एंटर किया, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेट ऑब्लिक अल्टर वैट डिटेल्स को यस कर दीजिए, यस कर दिया, यहाँ पे क्लासिफिकेशन आ रहा है, छोड़ दीजिए। यहाँ पर टैक्स रेट आ रहा है, 5% दिया था ना, इस बार 10% कर देते हैं, ये जो लैपटॉप है इस पर 10% रहेगा, एडिशनल टैक्स 2% और दे देते हैं, तो 12% हो गया, कुल मिला के 12% आ रहा है टैक्स,
गोडाउन ऑप्शन भी एक्टिवेट कर रखा है, तो अगर कोई गोडाउन मैंने बनाया है तो उस गोडाउन में हम इसे डाल सकते हैं, नहीं बनाया तो ऑल्ट सी करके आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम न्यू कॉलोनी नाम से गोडाउन बना लेते हैं, ठीक है, न्यू कॉलोनी देवरिया कर देते हैं, न्यू कॉलोनी देवरिया, तो न्यू कॉलोनी देवरिया नाम से एक गोडाउन बना रहा हूँ, एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी कितनी रखेंगे, 50 तो लैपटॉप यहाँ रख दे रहे हैं, रेट कितना है, एक लैपटॉप का रेट है 50,000 रुपए, ठीक है। एंटर करेंगे कुछ डिस्काउंट भी, अगर डिस्काउंट देते हैं तो यहाँ पर डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 5% का मैं डिस्काउंट लगाता हूँ, 75,000 हो गया, ठीक है। ये जो है पूरा अमाउंट जो था वो घट करके 23,75,000 हो गया, पहले 25 लाख समथिंग समथिंग था, ठीक है। 5% डिस्काउंट लगा दिया मैंने तो ये हो गया, ठीक है। एंटर किया, अभी यहाँ पर डिस्काउंट 5% लगाया हमने, वैट हमने एक्टिवेट जरूर किया लेकिन लगाया नहीं अभी, तो वैट लगाया गया बाय डिफॉल्ट, हमने 5+2% वैट लगाया था, लेकिन यहाँ पर कुल मिला के 10+2 हो जाएगा क्योंकि हमने अलग से वैट दिया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी हमने लैपटॉप ले लिया, अब यहाँ पे डेस्कटॉप बना लेते हैं, ऑल्ट सी करके यहाँ लिखता हूँ मैं डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप पर अलग से हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, सेम रखेंगे जो टैक्स था। यहाँ पे देखिए कुछ भी मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर एप्लीकेबल और यहाँ से टॉप लिंक अल्टर वैट डिटेल्स इसको छोड़ दिया मैंने, एंटर किया एक्सेप्ट करा लिया। यहाँ पर न्यू कॉलोनी देवरिया वाले गोडाउन में डाल देंगे इसको, अभी 5-8 और है तो ये कर दिया हमने, और इसकी कीमत 30,000 रखेंगे तो ये 30,000 हो गया। एंटर करेंगे इस पे, डिस्काउंट है 2% का डिस्काउंट है, 2% डिस्काउंट लगा दिया काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब यहाँ पर हमको वैट देना है, वैट दे दिया जाए, थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर अल्ट सी करके वैट का लेजर बनाएंगे, तो यहाँ लिख देता हूँ वैट, केवल वैट लिखता हूँ क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो है टैक्स रेट हमने दिया है, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर लीजिए। और ये क्या है, देखिए यहाँ पर एडिशनल टैक्स आ रहा है, सीएसटी आ रहा है, अदर सारा है, टीडीएस आ रहा है, वैट आ रहा है, क्या है ये, हाँ बिल्कुल वैट है, तो वैट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कीजिए, यहाँ पर नॉर्मल में सॉरी नॉर्मल राउटिंग कर दीजिएगा, जीरो रख करके और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। यहाँ पर वैट कैलकुलेट हो गया, आपने आप देख सकते हैं एडिशनल टैक्स देना चाहते हैं यहाँ पर एडिशनल टैक्स दे दीजिए, ये लिखा मैंने एडिशनल और फिर यहाँ पर दे देता हूँ टैक्स, तो ये लेजर हो जाएगा एडिशनल टैक्स का, ये भी ड्यूटी का टैक्सेस होगा। इस बार क्या है ये एडिशनल टैक्स है, तो एडिशनल टैक्स कर दीजिए, एंटर कीजिए और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग कर सकते हैं, एंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लीजिए, एडिशनल टैक्स भी आ गया, ठीक है, दोनों आ गया ना। चलिए अब डिसाइड कैसे होगा कि किस पे कितना लगा है, पता कैसे चलेगा, यहाँ पर डायरेक्शन डाल सकते हैं, फिलहाल स्किप करते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं। अब डिसाइड कैसे होगा कि किस पे कितना लगा, इसको डिसाइड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रिंटिंग में, तो ये परचेस वाला हमारा पूरा एंट्री है, देख सकते हैं, Alt P प्रेस कीजिए प्रिंट करने के लिए, Alt P प्रेस किया, यहाँ पर नीचे आपको कॉन्फिगर मिल जाता है या F12 शॉर्टकट की, तो यहाँ से F12 शॉर्टकट की प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पर आपको वैट की डिटेल मिलेगी, ठीक। यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए ये लिखा हुआ है प्रिंट एज सेपरेट कॉलम और तमाम चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर वैट की डिटेल देखनी है। वैट की डिटेल नहीं दिख रही है, देखिए पैन इनकम टैक्स दिख रहा है, CST दिख रहा है, वैट की डिटेल नहीं दिख रही है, तो ना दिखे तो आपको F12 प्रेस करना है, F12 प्रेस करेंगे तो साइड में देखिए स्टेटरी डिटेल आ गया, तो यहाँ पर आपको वैट की डिटेल मिल जाती है, तो यहाँ पर यस कर दीजिए इसको, ये यस कर दिया, ठीक है। और भी चीजें देखना चाहते हैं सब यस कर दीजिए, सब यस कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, अब यहाँ पर इसका प्रिंट देखते हैं, तो यहाँ पर आएंगे तो अब देखिए प्रिंट इसका, पहले वाला जो बाय डिफॉल्ट टैक्स था वो 5% था और एडिशनल टैक्स इसमें 2% था, ठीक है, जो पहले वाला था, तो पहले वाला क्या था, पहले वाला जो है यहाँ पे देखिए ये लैपटॉप पर 10% हमने दिया था, दिख रहा है डिस्काउंट 5% था, ठीक है, तो 10% जो दिया था वो टैक्स इसमें शो कर रहा है, वैट एडिशनल टैक्स नहीं शो कर रहा है, उसके लिए भी सेटिंग करनी होगी हमको, और यहाँ पर डेस्कटॉप पे हमने 5% दिया था वैट, तो वो वैट जो है इस पे शो कर रहा है, एडिशनल टैक्स नहीं शो कर रहा है, तो एडिशनल टैक्स को शो कराने के लिए थोड़ी सी और सेटिंग करनी होती है हमको, तो यहाँ से जाकर के वापिस से हम कॉन्फिगर पे जाएंगे और एडिशनल टैक्स के लिए भी चाहे तो सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। F12 प्रेस कीजिए और एडिशनल टैक्स देखिए इसमें कहाँ आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप सेटिंग कर लीजिए, जो भी सेटिंग करनी है यहाँ से हो सकती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी, अगर आपको ये बात समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।